सर्वदश अपडेट को स्वागत करछु मिचनमई प्रथमे देखिबा हेडलाइन्स तेजुची परी को न्याय पाई प्रतिवाद राजभवन सम्मुखें बीजेपी गणधारणा मंत्री अरुण साहू का बहिष्कार सह सीबीआई तदंत दाबी सेपटे नयागढ़ जिलापा कार्यालय आगे अनिर्दिष्ट काल जाए बीजेपी धारणा पीपीई किट और मास्क किणा दुर्नीति मामला लोकायुक्त निकट में पुणी हाजर हेले आईएएस हेमंत शर्मा और जामिनी षडंगी आज चूड़ांत शुणी संभावना दिल्ली में बड़ आतंकवादी आक्रमण योजना फेल पांच संदिग्ध को गिरफ्त कला दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल दीर्घ दिन धरी आतंकी विरोध में ऑपरेशन चलाइथिला सेना काबू हला पुरी में आतंक चलाइथिबा बारहा जंगली बारहा को नाल भितर काबू कला वन विभाग गतकाली समुद्र कूल में बारहा आक्रमण कर छह जन को करिथिला गुरुतर पुणी पदारे पड़ा सरकारी मेडिकल गुमर प्रसूति विभाग रे बेड पाई लांच ने कर्मचारी पुरी सदर मुख्य हस्पिटाल आसला सांघातिक अभियोग सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल परलोक सुरबाबा भुवनेश्वर त्राही अच्युत आश्रम स्रष्टा सुरेन्द्रनाथ मिश्र देहांत शारीरिक असुस्थता जो आपोलो चली चिकित्सा आश्रम केलेंकारी नहीं 2015 होते गिरफ जियाग्रा मेट्रो रेल परियोजना निर्माण कार्य आज शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री दुईट करिडर तैयारी हवा नहीं प्रस्ताव शेष कुहुड़ी आस्तरण में उपकूल ओडिशा आज 8 जिला येलो वार्निंग आगामी 5 दिन तापमात्रा होवन परिवर्तन बढ़िबो ठंडा एथर संपूर्ण खबर बहु चर्चित नयागढ़ परी अपहरण हत्या मामला परी को न्याय प्रदान दाबी में तेजुची प्रतिवाद आज भुवनेश्वर राजभवन सम्मुखें गणधारणा देछि बीजेपी राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती नेतृत्व में बीजेपी नेता और कर्मी धारणा बसिंट घटना जड़ित अभियोग मंत्री अरुण साहू का बहिष्कार दाबी सह घटनार सीबीआई तदंत दाबी कर दल सेपटे नयागढ़ में परी को न्याय प्रदान पर आंदोलन को तीव्र कर भारतीय जनता पार्टी जिलापा कार्यालय सम्मुखें अनिर्दिष्ट काल जाए धारणा चेतावनी 17, 18, 18, 19, 2 वर्ष 5523 शिशु निखोज होती मात्र 14% रिकवरी आ अर्थ ओडिशा शिशु मान व्यापक मान निखोज खबर अच्छे भारतीय जनता पार्टी परी को न्याय देवाई बाप माँ आत्माहुति पर विधानसभा चाहूला किंतु दुख परितापर विषय आपको छोट घटना कही अड़गले विधानसभा को बंद कले जो थे कांग्रेस एवं विजु जनता दल जोड़ी विधानसभा को बंद कले किंतु ये जेहेतु परी हत्या घटनार जेतबले मंत्री गृह विभाग मंत्री विधानसभा उत्तर रखिले से उत्तर में असहायता प्रकाश कले जे शब एभली रूपे गलित अवस्था मिली जो थे धर्षण प्रमाण करहब ना चार मास धरी न्याय दे पारे ना विधानसभा एभली उत्तर दे आगामी दिन पर तार आलोचना कर लंबा आलोचना करते तार कि ठोस आईनगत दिग निर्णय होता किंतु ताकु प्रसंग प्रसंग नुहे कोई अड़ जावा अत्यंत दुख परिताप कथा विधानसभा विरोधी दल नेता प्रदीप नायक घोषणा करते आम राजरास्ता को जीवु लोकों पाखे न्याय मागू परी को न्याय देवाई आम लड़े जारी रख तो से दृष्टि आम लड़े जारी रख विचारपति ना तो एपर्तंत घोषणा होनी एटा राज्य सरकार पूरा टोटाल गोटे षड्र चला जाइए अरुण साहू को बचाई मु बुझे सरकार कौन दुर्बलता रोच अरुण साहू को प्रति जे गोटे छोट छुआर हत्या केस रे तांकर ऑडियो वायरल रो प्रूफ थाई कि मैंने किसी तर्क भी नहीं भी से कौ ग्राउंड रे कौन दुर्बलता मु भाव जानी पार नहीं बुझे सरकार अरुण साहू को प्रति अच्छे तो बसिले आज को तीन दिन हो गला बसिले आपण कौन भावुं आपंकर जो दाबी रही से गुड़ाक पूरण हम ना जदि पूरण न हुए आगामी दिन में कौन कौन सब कार्यपन्था अपने
आगामी सबुदिन तो किसी आम कार्यक्रम चली अभिगत धारणा बसिक गुहारी कला भाया लगे जदि नाला पोड़ा जला को जीव आ बाध्य कि जो सत्यग्रह यदि जा कि नाला तेल सुभाष चंद्र आस्था नबू तक पॉलिसी नबू आ कि बाट ही नहीं माने नुहे कि तुम्हें एमती आज गोटे छुआ को मारे कल मो झी को छाड़ी मुझे कम कर मो छुआर भी किए आखि ताड़ी नब कि किडनी ताड़ी नब से मुझे चाहूँगी जे समस्ते केमती सेफ्रे रुहतु क्राइम ये विषय जमीन न बढ़ु से सप्रेस करने मोर एटा गोटे बहुत बड़ आंदोलन कि आज जो धारणा बसिके आगे जो लड़ेटा हम बहु चर्चित मास्क और पीपीई किट किणा दुर्नीति मामला लोकायुक्त निकट में पुणी हाजर हेले प्राक्तन क्रय कमिटी मुख्य आईएस हेमंत शर्मा औषध निगम अध्यक्षा आईएस जामिनी षडंगी आज लोकायुक्त पाखरे मामलार चूड़ांत शुणी होगा संभावना रही है। गत नवेम्बर 23 तारीख में द्वितीय थर पर लोकायुक्त पाखे शुणी होता से समय हाजर न हो लिखित जवाब रखिते मुख्य शासन सचिव हेमंत को अपसारण प्रसंग में उत्तर रखिते मुख्य शासन सचिव अधिक कार्यभार जो परचेज कमिटर बाद दी से मामलार चूड़ांत शुणी आसंता डिसेंबर 7 रे हेबाने स्थिर करथिले। दिल्ली में 5 आतंकवादी गिरफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल महानगरीर सकरपुर अंचल एनकाउंटर पर आतंकवादी को गिरफ कर गिरफ आतंकवादी मध्य पंजाब दुईज और काश्मीर तीन जन रही समस्ते इस्लामिक खलिस्तान संगठन सह जड़ित अच्छा सूचना रही है। दीर्घ दिन धरी एम विरोध में अपरेसन चली निकट अस्त्रशस्त्र और गुरुत्वपूर्ण कागजपत जबत हो कौन सूत्र खबर मिलता जी आतंकवादी सकरपुर अंचल में लुचि रही दिल्ली पुलिस अपरेसन आरंभ कर आतंकवादी माने पुलिस उपरकु गुलीमाड़ करथिले उभयंक मध्यरे गुली विनिमय होइथिला 5 आतंकवादी को खूब शीघ्र पचराउचरा करा जबो। काबू हला पुरी रे आतंक चलाइथिबा बारहा जंगली बारहा को काबू कला वन विभाग लोकनाथ छपन भोगरे बारहा उपद्रव मचाइथिला नाळ भितरे पड़िथिबा बेले बारहा को उद्धार करिछि वन विभाग गतकाली पुरी रे ए बारहा समुद्र कूल निकट रे 6 जण को आक्रमण करी गुरुतर करिथिला आक्रमण रे 2 जण सफई कर्मचारी समेत आ 4 जण आहत होतिले पुरी स्वर्गद्वार अंचल रे रास्ता सफई करथिबा समय रे गोटी जंगली बारहा 2 जण पौर संस्था तरफ रु नियोजित होइथिबा महिला सफई कर्मचारी को गोडाई गोडाई आक्रमण करी गुरुतर आहत करथिला उक्त दुई महिला शरीर में अनेक क्षत विक्षत चिन्ह होता बेले से गुरुतर आहत अवस्था सदर मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कराइला आज उक्त बारहाटी को पूरी लोकनाथ रोड स्थित 56 छक लोक मैंने देखा पाई आतंकित भयभीत हो लोक मैंने हहाला करहाटी जीवन विकल एक नला भितर को पशि जाता घटनास्थल में वन विभाग कर्मचारी अग्निशम विभाग कर्मचारी पहुंची दीर्घ एक घंटार ऊर्ध परिश्रम कर जंगली जंतु को नलू काबू कर सफल होते खोर्धा ब्लॉक नरणगढ़ पंचायत हाटपदारे अघटन अग्निकाण्ड घटी 5 परिवार प्राय 10 बखरा घर संपूर्ण पड़ जाइछि विलंबित राति रे गांव सुधीर जेना धनेश्वर जेना गंगाधर जेना आदि 5 परिवार 10 बखरा घरे निया लागि जाइथिला अग्निकाण्डर कारण जनापड़ नथिबा बेले खबर पाई खोर्धा दमकल बाहिनी घटनास्थल में पहुंचि निया को आयत करछि विपन्नक पिंधा लुगा छोड़ा आउ किछि उद्धार करा जाइ पारि नाही। प्रथम अष्टमी अवसर में महाप्रभु श्रीजगन्नाथ मामू घर नियाली माधव मंदिर आसी थाए पढ़ुआ भार आसंता काली प्रथमाष्टमी होइथिबारु महाप्रभु भार रे खंडुआ पाट अरुआ चाउल बिरी नड़िया गुड़ और पाचिला कदमी प्रभृति भार आज आसी पहुंचिबो कोरोना कटकणा पाई खूब कम संख्या रे भक्त संकीर्तन ढोल महुरग घंट घंटा शंखनाद मध्य एक भव्य पटुआर में नियाली आसी पुरी पहुंचिबो तेज संपर्कित तो अधिक खबर पाई आम सहित सीधा सड़क पुरी जोड़ी आम पुरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आलोक जो प्रथा रही महाप्रभु श्री जगन्नाथ जेहेतु बड़ पढ़ुआ करने मामू घर आज भार आस भार आसत आँ सब नीतिकांति संपन्न हो
निश्चित चिन्मयी आपण जानिछंती आसंता काली होउची प्रथमाष्टमी। एही अवसर रे मध्य श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर अनेक स्वतंत्र नीतिकांति अछि एवं ए प्रथमाष्टमी अवसर रे आपण जेबळ भाबे सूचना देउथिले नियाळीर माधवानंद मंदिर जहाँ कि महाप्रभुंक मामुघर बोली परिचित सेठारु भार आसीथे। आमे मध्य या पूर्व वर्ष देखिलु किभळी भाबरे हजार हजार संख्या रे भक्तमानकर विराट पाटपटुआर रे घंट छता काहाळी शंख नाद करिके आसीथिले जो तमाम भार आमे कहिपरिबा पाट वस्त्र ठार आरंभ करि गुआ नड़िया विभिन्न प्रकार फल आणिक देते कि पूर्व वर्ष गोटे बदमान परिस्थिति सृष्टि होता जदि हुए आम कहीपर महाप्रभु भार को मंदिर प्रशासन ग्रहण करता कि गोटे बदमान परिस्थिति सृष्टि होता आम सीधा साल आलोचना करूँ। आम सहित विनायक ग्रास्मापत्र अच्छा आज्ञा आज आई समय पर अर्थात अपराह महाप्रभु मामू घर आसी पहुँचव पढ़ुआ भार पहुँच बास्तव में परंपरा कौन अच्छी अनेक सेवायत कहते परंपरा प्रथम थर पर ना बास्तविक महाप्रभु मामू घर बोली किसी थाए शुणु आम पिलादी परंपरा देखी आस एवं नीलमाधव नियाली काकटपुर माँ मंगला देउली मठ प्राचीन ये सब जगन्नाथ महाप्रभुंकर संपूर्ण भाव से अंगाकर भाव से सब जिनस जड़ित नियाली आम पिलादिन देखी आसू गोटे वस्त्र खाली आसे नूतन वस्त्र तेणुक वर्तमान जुगे किसी आडम्बरपूर्ण विभिन्न प्रकार सामग्री धरिकी जो आसुँच से किसी लोक नूतनता लगी थाए आम सेवायत भाई मानक कि आम पिला सब जिन देखु प्रकृत से नियाली आसे महाप्रभु वस्त्र वस्त्र खाली आसे बर्तमान मुझे पुराणा कथा कौच कोड़े तीस वर्ष तलर कथा कौच शुणु ये एवं सबू यू तीन चार वर्ष भितर ये सब विभिन्न प्रकार फल चाउल नड़िया बर्तमान फूल ये सब जिनस वस्त्र नूतन वस्त्र पाट ये समस्त जिनस आसूँ तेणुक या देर कौन नूतनता ना तेणुक यहीटा जो ये भाव में ढंग से आसला तेणुक किसी सेवायत जो मैंने बोधे यहाँ गोटे नुआ परंपरा बोले भाविले सन्देह कले कि नुआ पूर्व वर्ष जो भार आसी मंदिर प्रशासन ग्रहण करता कि भार कौन महाप्रभु को लगी हुए शुणु महाप्रभु पाखे जो पौर्णाष्टमी जिनस महाप्रभु लक्ष्मी मुंडार महाप्रभु कोट मुंडार समस्त जिनस जाए तेणुक नूतन वस्त्र महाप्रभु आसे सी लगे तेणुक काली महाप्रभु जो पौर्णाष्टमी हे का सका धूप भोगमंडप सरी सारापर महाप्रभुकर तीन बाड़े का महासान महाप्रभु हे का मंगलार्पण हम मंगलार्पण पर नूतन वस्त्र लगे तेणुक समस्त परंपरा बहुत दिन रु चली आसूँ नियाली पाखर आमर नूतन वस्त्र आसे तेणुक एवं फल बाल मानने फूल माल फल ये सब जिनस भार टाइप विभिन्न प्रकार आसूँ आज कल जो को लेकर समस्त नहीं दान दौर परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा आप देखी कि सेवायत भ्रांत धारणा ना ना शुणु प्राचीन परंपरा जो जो आप कहना प्रशासन करते सब जिनस आसवा यहाँ एवं नूतन भाव में आसूँ कि नूतन वस्त्र आसवा आम मो पिलादिन आम देखी आस निश्चित निश्चित चिन्मयी जहाँ शुणुते ये हूँ प्राचीन परंपरा बोली विनायक दासमापात्र कहते आउ कि समय अपेक्षा आउ कि समय कोरोना कटक खूब कम संख्यार भक्त मैंने आसवे महाप्रभु मामू घर जो नियाली माधवानंद मंदिर रही जेहेतु बलराम होती बड़ एवं तीन भाई भाई मामू घर जो पढ़ुआ भार आसो सी बहुत खूब सुंदर भाव में तार नीतिकांति संपन्न हो कथा कह पढ़ुआ भार आसवा पर ही मंदिर में एक प्रकार नीतिकांति करा जो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आप समस्त तथ्य एवं आलोचना आसवा परवर्त खबर को जी आगरा मेट्रो रेल परियोजना निर्माण कार्यर शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया प्रधानमंत्री यार शुभारंभ करेंगे तेज आपने सीधा सख दृश्य देखुं बर्तमान कार्यक्रम आरंभ हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आसी सारी 2019 मार्च 8 में कानपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह प्रकल्प शिलान्यास तेज आज तार शुभ उद्घाटन अवसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिलापट का अनावरण आगरा के विकास में एक नए अध्याय का प्रारंभ सबके सपने साकार होने का आश्वासन बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत वर्ष इस योजना की शुरुआत की गई थी और आज इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर रिक मशीन द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाया
और रिग मशीन ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रकल्प और विकल्प से देश का कायाकल्प करने वाले आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। नमस्कार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार में मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी, डॉक्टर डीएस धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, श्री राजकुमार चाहर जी, श्री हरिद्वार दुबे जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और आगरा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही है, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। भाइयों और बहनों, आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। साथियों, बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में ऑपरेशनल है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है या फिर काम अलग अलग चरणों में है। यूपी की ही बात करें तो आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला ये यूपी का 7वां शहर है और इनके बीच एक और बात बहुत विशेष है। देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बन रहा है, बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत
भारत में ही बन रहे हैं। यही नहीं, जो सिग्नल सिस्टम है उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो, इस पर भी काम चल रहा है। यानी अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराट हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है। जब आप साहस के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पण दिखा रहे हैं। 20वीं सदी में जो भूमिका देश के मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी भूमिका को विस्तार देने का काम अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही अनेक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है जो आत्मनिर्भरता के लिए हमें चाहिए। यहां की भूमि, यहां के किसानों में अपार सामर्थ्य है। पशुधन के मामले में भी ये क्षेत्र देश में अग्रणी है। ऐसे में यहां डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। साथियों, आधुनिक सुविधाएं मिलने से, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का यह सामर्थ्य और बढ़ रहा है। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेसवे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को योगी जी की सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यही नहीं, यूपी में दर्जनों एयरपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें भी अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में आधुनिक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तो इस पूरे क्षेत्र की पहचान पूरी तरह बदलने वाली है। साथियों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से प्रोजेक्ट बरसों तक लटके रहते थे, उनमें काम की रफ्तार बहुत धीमी होती थी, नाम मात्र का काम होता था। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज देश में खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया।
अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान उस पर भी किया जा रहा है। कोशिश ये है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश को आकर्षित किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट में विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होता है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है। इसी सोच के साथ देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। ताजमहल जैसी धरोहरों के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के साथ ही टूरिस्टों के लिए ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने न सिर्फ ई वीजा स्कीम में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है, इसके साथ ही होटल रूम टैरिफ पर टैक्स को भी काफी कम किया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर आ गया है, जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगति हुई है। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है, वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। साथियों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं, और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि पहले की तुलना में अब हो रहे रिफॉर्म्स ज्यादा बेहतर तरीके से काम क्यों करते हैं, पहले की तुलना में अब अलग क्या हो रहा है। कारण बहुत ही सीधा है। पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे, कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रखते होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अब जैसे शहरों के विकास के को ही हम ले लें, शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है। बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो, जीवन ज्यादा से ज्यादा सुगम हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और शहरों की व्यवस्थाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक हो। भाइयों और बहनों, रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी इससे हम भली भांति परिचित हैं। घर बनाने वालों
और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी। कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा था। इस परेशानी को दूर करने के लिए रेरा का कानून लाया गया। हाल में कुछ रिपोर्ट जो आई है वो बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेजी से पूरे होने शुरू हुए हैं। इसी तरह हमारे शहरों में एक और बड़ी समस्या है, बड़ी संख्या में खाली पड़े घरों की। ये तब है जब बड़ी आबादी को किराए पर घर मिलने में भी परेशानी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी एक मॉडल कानून बनाकर राज्यों को दिया जा चुका है। साथियों, शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है। यहां आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद की जा रही है। अब तक 12.5 लाख से ज्यादा शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी घर खरीदने के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएं हो, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था हो, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देने के तरीके हो, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है। भाइयों और बहनों, आज शहरी गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा है और मध्यम वर्ग को सस्ती दवाई मिल रही है, सस्ती सर्जरी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की कोशिशों से बिजली से लेकर मोबाइल फोन तक उस पर खर्च बहुत कम हुआ है। एजुकेशन लोन से लेकर होम लोन तक ब्याज की दरें कम की गई हैं। ये भी पहली बार हुआ है जब रेहड़ी ठेले फेरी वाले छोटे उद्यमों को बैंकों से सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया है। यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। भाइयों और बहनों, ये जो रिफॉर्म्स बीते कुछ समय से किए जा रहे हैं, उनसे देश में नया आत्मविश्वास आया है। विशेष तौर पर देश की बहनों बेटियों तक जिस प्रकार सरकारी लाभ पहुंचा है, वो सचमुच में अगर बारीकियों में जाएंगे तो आपको भी संतोष देगा। पहले की तुलना में आपके अंदर भी एक नया विश्वास भरेगा। हर रोज दूर सुदूर से अनेक चिट्ठियां मुझे मिल रही है। मीडिया के माध्यम से बहनों बेटियों की भावनाएं मुझ तक पहुंच रही है। माताओं बहनों के इसी आशीर्वाद से मैं स्वाकई भाव विभोर हूं। देश की बहनों बेटियों, देश के युवाओं, देश के किसानों, देश के श्रमिकों, कर्मचारियों, व्यापारियों का विश्वास बीते हर चुनाव में दिख रहा है। यूपी सहित देश के कोने कोने में चुनाव के नतीजों में विश्वास झलक रहा है। 2-3 दिन पहले
तेलंगाना में, हैदराबाद में गरीब और मध्यम वर्ग ने सरकार के प्रयासों को अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया है। आपका साथ और आपका समर्थन ही मेरी प्रेरणा शक्ति है। देशवासियों की छोटी से छोटी खुशी मुझे नए नए काम करने की हिम्मत देते हैं, नए इनिशिएटिव लेने की ताकत देते हैं, ताकि मैं आपकी भलाई के लिए और ज्यादा कर सकूं। आत्मनिर्भरता का यह आत्मविश्वास यूं ही निरंतर मजबूत होता रहे, विकास के कार्य ऐसे ही बढ़ते चलें, इसी कामना के साथ आपको मेट्रो प्रोजेक्ट की फिर से बहुत बधाई। लेकिन एक बात मैं जरूर याद कराऊंगा, कोरोना के टीका का इंतजार है और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला तो अब कोई ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है, लेकिन संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क, दो गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। आप इसका ध्यान रखेंगे, इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।